आज हम करेंगे स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इट इज़ सेट दैट यू मस्ट सेट ए थीव टू कैच ए थीव बट इट इज़ ऑल्सो सेट दैट देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स विथ से डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर चोर को पकड़ना है तो आपको चोर की ही सहायता ले लेनी चाहिए बट इट इज ऑल्सो सेट पर यह भी कहा जाता है कि देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स की चोरों का भी अपना एक ईमान होता है विच सेइंग डस दिस स्टोरी इलस्ट्रेट इनमें से कौन सी कहावत को ये स्टोरी जो है वो बताती है स्टार्ट करते हैं एवरी वन थाट दैट हॉरेस टेनबी वॉज ए गुड ऑनेस सिटीजन सभी ये सोचते थे कि हॉरेस टेनबी जो है वो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है ही वॉज़ अबाउट फिफ्टी ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड वो पचास साल का था एंड अनमेरिड अविवाहित था ही लिव्ड विद द हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ वो एक चौकीदार के साथ रहता था जो उसकी स्वास्थ्य की चिंता करता रहता था फैक्ट वास्तव में ही वॉज़ यूजअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर आमतौर पर वो बहुत खुश रहता था और स्वास्थ्य के हिसाब से भी सही रहता था पर गर्मियों में उसे हे फीवर हो जाता था यानी बुखार हो जाता था एलर्जिक फीवर जो होता है ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स वो ताले बनाता था और इस बिजनेस में इस व्यापार में बहुत ही सफल था टू हैव टू हेल्पर्स और उसने अपने आगे दो सहायक रखे हुए थे येस yes, हाँ हो डैनबी डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल इस तरह से हॉरेस डैनबी जो था बहुत अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति था बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट पर वो पूर्णतः ईमानदार नहीं था फिफ्टीन ईयर्स अगो हॉरेस हैड सर्वड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी पंद्रह साल पहले होरेस जो था उसने अपनी पहली जो सजा थी वो एक प्रिजन लाइब्रेरी में यानी जेल में बनी लाइब्रेरी में काटी थी ये उसकी अकेली और पहली कारागार में बिताने वाला समय था ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स उसे बहुत ही रेयर जो आम तौर पर नहीं मिलती हैं और एक्सपेंसिव बहुत महंगी किताबों का शौक़ था सो ही रॉब ए सेफ एवरी ईयर इस तरह से वो हर साल एक तिजोरी चुराया करता था ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वट ही वुड डू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर ट्वेल्व मंथ्स इस तरह से बहुत ही सावधानी पूर्ण होकर यानी बहुत ही सावधानी से वो अपने प्लान्स बनाता था जिससे कि बारह महीने उसे और कुछ भी ना करना पड़े एंड सीक्रेटली वॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट और इस तरह से वो चुपचाप से रहस्यमयी तरीके से किताबें खरीदता था एक एजेंट के थ्रू जो भी किताब उसे अच्छी लगती थी उस एजेंट के थ्रू उस एजेंट से वो उसे मंगा लेता था नाव वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन एक अब क्या हुआ कि जुलाई में सनशाइन में यानी जुलाई के दोपहर में बहुत अच्छी जब आ, सूर्य की रोशनी थी ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल ददर्स तो उसने सोचा कि इस बार जो वो चोरी करेगा वो भी बाकी चोरियों की तरह बहुत ही सफल रहेगी फॉर टू वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शोट ओवर ग्रांच इस तरह से पिछले दो हफ्ते से वो एक घर का अध्ययन कर रहा था जिसका नाम था शोट ओवर ग्रांच लुकिंग एट इट्स रूम्स इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन वो सब कुछ देख चुका था उसके कमरे उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी उसकी बिजली की तारें कैसी थी इट्स पाथ्स उसके आने जाने, जाने का रास्ता कैसा था और उसका जो बाग था गार्डन था दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रांच वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन हैड गोन टू द मूवीज इस तरह से दोपहर बाद जो दो वहाँ पर नौकर रहते थे उस ग्रांच में उस घर में वो मूवी देखने गए थे फिल्म देखने गए थे और जो बाकी फैमिली थी वो लंदन में थी हॉरिस सौदैम गो हॉरस ने उन दोनों को जाते हुए देखा एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ़ हे फीवर इन हिज नोस बहुत खुश हुआ हालांकि उसे अभी भी नाक में जैसे हे फीवर महसूस हो रहा था यानी एलर्जी फील हो रही थी ही केम

औजार थे उसकी पीठ के पीछे एक थैले में सावधानी पूर्वक बंधे हुए थे देर वर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड पाउंडस वर्द ज्वेल्स इन द ग्रैंड सेफ उसको पता था कि ग्रैन्ज की तिजोरी में लगभग पंद्रह हजार पौंड के कीमती आभूषण थे इफ ये सोल्ड डैम वन बाय वन यदि वो उनको एक एक करके बेच देगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट गेट एट लीस्ट फाइव थाउजेंड एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर तो उसे पता था कि अगर वो एक एक करके उन्हें बेचेगा तो उसे पाँच हज़ार पौन प्राप्त होने की आशंका थी जो उसे एक वर्ष तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त थी देर व थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम और उसे ये भी पता था कि पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थी नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टिड टू बाई दम अब उसे पैसा मिल जाएगा इस तरह से वो पैसा कमा लेगा तो वो उन्हें खरीद सकता है ही हैड सीन दाउस कीपर हैंग द कीटू द किचन डोर ऑन ए हुक आउट साइड उसने देख लिया था कि हाउस कीपर जो था यानि नौकर जो था वहाँ पर चौकीदार जो था हैंग द कीट द किचन डोर ऑन ए हुक आउट साइड तो उसने जो चाबी थी उसको दरवाजे के ऊपर खुंटी पर टांग दिया था ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स अब उसने जैसे देखा कि चाबी उसने किचन के डोर पर बनी हुई हुक पर टांगी हुई है तो उसने अपने ग्लव्स पहन लिए हॉरिस ने द की और उसने वहाँ से चाबी उठाई एंड ओपन द डोर और, और दरवाजा खोल लिया ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स वो ध्यान रखता था कि उसके उंगलियों के निशान कहीं भी ना रहे स्मॉल डोग वॉज लइंग इन द किचन किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था इट्स स्टर्ड वो थोड़ा हिला मेड ए नॉइस उसने थोड़ी सी आवाज़ की एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे उसके बाद वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार से अपनी पूछ हिलाने लग गया ऑल राइट शेयरी होरिस्ट सेड एज ही पास्ट होरस्ट ने जैसे ही वहाँ से क्रॉस किया वहाँ से निकला तो उसने आराम से कहा ऑल राइट शेरी ठीक है शेरी ऑल यू हैड टू डू टू कीप डस वाइट टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव अब उसे चोर था तो उसे तरीके पता थे तो उसने क्या किया कि अगर आ, उसने कहा कि अगर कुत्तों को आपको चुप रखना है तो उनके सही नाम से उन्हें पुकारे एंड शो दम्लम और उनके प्रति प्यार दर्शाएं द सेफ वाज इन द ड्राॅइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग अब उसे पता था जो तिजोरी है वो ड्राॅइंग रूम में है और एक बहुत ही पुअर पेंटिंग बहुत ही बुरी एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी जो है वो छुपाई गई थी होर इज वडर्ड फॉर ए मोमेंट वैदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ़ बुक्स अब वो सोच रहा था एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी शुरू कर देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ़ बुक्स बुक्स की बजाय बट दे टुक अप टू मच रूम तो उसने सोचा कि अगर वो पिक्चर्स यानी पेंटिंग्स कलेक्ट करने लग गया उनको संग्रह करने लग गया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जगह लेती हैं कमरे में इन स्मॉल हाउस बुक्स और बेटर छोटे घर में तो किताबें ही ठीक थी देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरस फेल्ट हिज नोज टिकल अब टेबल के ऊपर एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था कटोरा रखा हुआ था फूलों से भरा हुआ एंड हॉर्स फेल्ट हिज नो टिकल और होरेस को फिर से एलर्जी नाक में फील होने लगी ही गेव ए लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग उसको हल्की सी छींक आई एंड देन पुट डाउन हिज बैग और उसने अपना बैग उतार कर वहाँ रख दिया ही केयरफुल अरेंज हीज टूल्स उसने अपने औजार ढंग से लगाए ही हैड फोर आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न अब उसके पास चार घंटे थे चोरी करने के लिए इससे पहले कि नौकर लौटते वो चार घंटे में आराम से अपना काम निपटा सकता था द सेफ आज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन उसके लिए तिजोरी खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था वो आराम से उसको खोल सकता था आफ्टर ऑल ही हैड लिव विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हीज़ लाइफ उसने अपना पूरा जीवन ही तालों और तिजोरियों के बीच में गुजारा था द बर् बर्गलर अलार्म वाज पोरली बिल्ट और चोरों के लिए जो अलार्म था यानी अगर उस तिजोरी की चोरी हो तो जो अलार्म बजना था वो भी बहुत ही बुरी तरह से बनाया गया था ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर वो आराम से हॉल में गया बड़े कमरे में गया और उसने उसकी तार काट दी ही केम बैक वापस आया एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन उसने ज़ोर से छींक मारी क्योंकि अभी भी फ्लावर्स की यानी फूलों की जो गंद थी उसके नाक में जा रही थी हाउ फुलिश पीपल आर वैन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स उसने सोचा कि हॉरिस थाट हॉरस ने सोचा कि हाउ फुलिश पीपल आर वैन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स कितने मूर्ख लोग हैं कि इतने कीमती सामान को रखते हैं ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम एक मैगजीन uh, में आर्टिकल आया था यानी एक पत्रिका में इस घर के बारे में बताया गया था उसमें इसके सारे कमरों का प्लान बताया गया था और हर एक कमरे की पिक्चर भी डाली हुई थी यानी उसकी चित्र भी डाला गया था द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ यहाँ तक कि लेखक ने ये भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी है बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लार्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क अब होरेस को ये महसूस हो रहा था कि ये जो फूल हैं उनकी वजह से उसको अपना काम करने में दिक्कत आ रही है ही बर्ड इज फेस इन हैंकर चीफ इसलिए उसने अपने नाक पर अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया देन ही हर्ड ए बॉयस से फ्रॉम द डोर वे वट्स इट ए कोल्ड और ही फीवर तभी पीछे से दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई कि क्या है ये आपको जुकाम हुआ है या फीवर है यानी आपको एलर्जी है बिफोर ही कुड थिंक इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता हॉरिस सेड ही फीवर तो हॉरिस ने कहा कि एलर्जी है एंड फाउंड हिमसेल्फ स्वीजिंग अगेन और फिर दोबारा से उसको छींक आ गई द वॉइस वेंट ऑन अब जो आवाज़ आ रही थी उसने फिर इससे कहा यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ तो उसने कहा कि तुम्हें इसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट यानी अपना इलाज कराना चाहिए अगर तुम्हें पता हो कि किस प्लांट की वजह से तुम्हें ये बीमारी होती है तो तुम्हें बेटर है कि मैं आ, मैं सोचती आ, सोचती हूँ यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए अपनी बीमारी को दिखाना चाहिए इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क और अगर आप अपने काम के लिए गंभीर हैं आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ क्योंकि मैंने तो तुम्हें घर के ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुन ली यानी तुम्हारे छींकने की वजह से मुझे पता लग गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हें अपना डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए अगर आप अपने काम के लिए गंभीर हो तो अपना काम अच्छे से करना चाहते हो तो इट वॉज़ ए क्वाइट काइंडली वॉयस बट वन विद फर्मनेस इन इट ये एक बहुत ही अच्छी और दयालु आवाज़ थी बट वन विद फर्मनेस इन इट और बहुत ही सशक्त इसमें आवाज़ नजर आ रही थी यानी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था आवाज़ में ए वूमेन वज स्टैंडिंग इन द डोर वे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर एक औरत वहाँ दरवाजे के बीच में खड़ी थी और शेरी उसके शरीर से अपना शरीर जो है वो एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर अपना शरीर रगड़ रहा था शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड वो एक युवा लड़की थी क्वाइट प्रटी बहुत सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट सेयर वो फायर प्लेस के पास गई यानी जहाँ पर अंगीठी थी वहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर जेवर जो थे वहाँ पर सीधे करने लगी यानी फैला दिए वहाँ पर जाकर उसने अपने जेवर डाउन शेरी शी सेट उसने शेरी को कहा कुत्ते को कहा कि ठीक से नीचे बैठो एनीम वुड थिंक आई I would वुड बीन अवे फॉर ए मंथ शी स्माइल्ड एट and एंड वेंट ऑन सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ और ये कहकर वो हॉरस की तरफ मुस्कुराई एंड वेंट ऑन और अपनी बात जारी रखी हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम मैं सही समय पर आ गई दो आई didn't एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं एक चोर से मिलूंगी एक लुटेरे से मिलूँगी हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम हॉरेस को ऐसे लग रहा था उसको ऐसे आशा थी कि शायद वो उसको देख कर खुश हुई है ही माइंड अवॉइड ट्रबल इफ़ यू ट्रीटेड हर द राइट वे तो उसको लगा कि शायद वो बच जाए अगर वो उसके साथ सही प्रकार से बात करेगा तो ही रिप्लाइड तो उसने उत्तर दिया आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली मैं भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूँगा शी नॉट डिट उसने अपना सिर हिलाया आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी हाँ मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है कि घर के किसी सदस्य से आपको मिलना पड़ रहा है यानी कितनी परेशानी हुई आपको मुझसे मिलकर वट आर यू गोइंग टू डू अब आप क्या करेंगे हॉरिस सेड माई फर्स्ट थाट वज़ टू रन हॉरिस कहता है कि मेरा पहला विचार तो है कि मैं भाग जाऊँ अफकोर्स निसदेह यू कुड डू देट आप ऐसा कर सकते हैं बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू पर मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी दे वुड गेट दे वुड गेट यू एडवांस और वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो होरेस कहता है आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हैजिटेटेड ए स्माइल ऑन हिज फेस आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम इफ यू आर वुड बी एनफ तो वो कहता है कि मैंने सबसे पहले टेलीफोन की तारें ही काटी हैं और ही he हेजिटेटेड और वो ये कहते हुए हिचकिचाया स्माइल ऑन हिज फेस और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई एक मुस्कुराहट आ गई आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ भी ना कर पाओ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ और मेरे लिए कुछ घंटे बहुत रहेंगे शी लुक एट इम सीरियसली यू वुड हार्ट मी और वो उसको गंभीर होकर देखती है उसकी तरफ और कहती है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो हॉरेस पास्ट हॉरेस थोड़ी देर के लिए रुका एंड देन सेट और तब उसने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू मैन आई सेट देट मैं तुम्हें केवल डराना चाहता था ये कहकर यू डिडेंट फ्राइटन मी पर तुमने मुझे डराया नहीं है हॉरेस सुजेस्टेड अब हॉरेस ने उसको सुझाव दिया इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे मिली भी थी और मुझे जाने दो द वॉइस वॉज सडनली शार्प अब वो लड़की की आवाज़ एकदम से तीखी हो गई बाई शुड आई ऐसा मैं क्यों करूँगी यू आर गोइंग टू रॉब मी तुम तो मेरे यहाँ चोरी करने आए हो इफ आई लेट यू गो यदि मैं तुम्हें जाने दूँ यू विल ओनली रॉब एल्स तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए होरेस स्माइल्ड होरेस मुस्कुराने लगा आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हूँ आई स्टील ओनली फॉर फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी मैं केवल उन लोगों के यहाँ से चोरी करता हूँ जहाँ पर बहुत सारा पैसा है आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न और मैं बहुत अच्छे कारण की वजह से चोरी करता हूँ एंड आई हेट द थाट ऑफ प्रीजन और मुझे प्रीजन यानी जेल्स की विचार से घृणा है शिलाफ्ट वो हंसी एंड ही बैग्ड और वो उसकी विनती करने लग गया थिंकिंग दैट ही हैड प्रिस हर लुक आई हैव नो राइट टू ask you for anything but i am desperate let me go and i promise never to do this kind of thing again i really mean it aur usne usko manane ki koshish ki look usne kaha dekho i have no right to ask you for anything main aapko kuch bhi nahi keh sakta hu but i am desperate par main desperate hu yani मैं चिंतित हूँ Let me go मुझे जाने दो and I promise और मैं वादा करता हूँ never to do this kind of thing again कि मैं ऐसी ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूंगा यानी चोरी कभी नहीं करूंगा आई रियली मीन इट और मेरा ये कहने का मतलब है शी वॉज साइलेंट अब वो चुप थी वॉचिंग हिम क्लोजली ध्यान से उसको देख रही थी देन शी सेड और तब उसने कहा यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन तुम तो जेल जाने से सच में डरते हो आंटियो क्या तुम नहीं डरते हो शी कीम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड अब अपना सिर हिलाते हुए उसकी तरफ वो आई आई हैव ऑलवेज लाइक द रोंग काइंड ऑफ पीपल मुझे हर हमेशा से ही बुरे लोग पसंद हैं शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट उसने टेबल से जो सिल्वर बॉक्स था उसको उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली वर ईगर टू प्लीज हर एंड सींग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर हॉरेस उसको खुश करना चाहता था तो उसको लगा कि शायद वो उसकी सहायता कर सकती है शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स तो उसने क्या किया आपने ग्लव्स उतार दिए दस्ताने उतार दिए एंड गेव हर द सिगरेट लाइटर गेव हर हीज सिगरेट लाइटर और उसका अपना जो सिगरेट लाइटर था उसको पकड़ा दिया यू विल लेट मी गो ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर उसकी सिगरेट को जलाते हुए उसने कहा कि तुम मुझे जाने दोगी येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी हाँ पर अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे एनी थिंग यू से तो उसने कहा कि हाँ चलो जो भी तुम कहो बिफोर वी लेफ़्ट फॉर लंदन तो उस लेडी ने कहा कि जब हम लंदन के लिए बिफोर वी लेफ़्ट फॉर लंदन जब हम लंदन के लिए चले थे आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हेयर इन द सेफ तो मैंने अपने हस्बैंड से पति से वायदा किया था कि मैं सारे ज्वेल्स जितने भी मेरे जेवरात हैं उनको बैंक में रखूँगी पर मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में रख दिया आई वॉन्ट टू वियर टू ए पार्टी टू नाइट पर आज मैं एक रात को पार्टी है और उसमें उनको पहनना चाहती हूँ सो आई केम डाउन टू गेट दैम तो मैं यहाँ पर नीचे आई थी उनको लेने के लिए बट परंतु हॉरेस स्माइल्ड अब हॉर एस मुस्कुराए यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू और तुम तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई हो क्या ऐसा नहीं है ये रिप्लाइड द यंग लेडी अब उस युवा औरत ने कहा कि हाँ ऐसा ही है जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर ठीक है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और मुझे एक घंटे का समय दो बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ पर मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी डोंट वरी अबाउट दैट तुम उसकी चिंता मत करो माई हस्बेंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ मेरे हस्बैंड एक महीने के लिए यहाँ नहीं आएंगे एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम और इस एक महीने में मैं सेफ जो है तिजोरी जो है वो ठीक करवा लूँगी एंड विद इन एन आर होॉरेस हैड ओपन द सेफ गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे एक घंटे के अंदर हो रेस ने तिजोरी खोल दी उसको गहने दे दिए एंड गोन हैप्पीली अवे और खुशी खुशी वहाँ से चला गया फोर टू डेज ही कैप्ट हीज़ प्रामिस्ड टू द काइंड यंग लेडी और दो दिन तक उसने अपना वायदा उस दयालु औरत से निभाया ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे और तीसरे दिन की सुबह हाउ एवर ही था थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ और उसे पता था कि किताबें उसको खरीदनी है तो उसे दूसरी तिजोरी के बारे में सोचना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ चोरी की जाए बट ही नेवर गोट द चांस टू बिग इन हिज प्लान पर अब उसे कोई अवसर नहीं मिल रहा था अपना प्लानिंग करने का बाय नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रोबरी एट शोट ओवर ग्रैच क्योंकि दोपहर तक पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया शॉर्ट ओवर ग्रैन्ज में गहने चुराने के लिए हिज फिंगर प्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम वैन ही सेट दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्ट हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर उसके जो हाथ आ, हाथों के यानी उंगलियों के जो निशान थे जब उसने वो तिजोरी खोली थी विदाउट ग्लव्स बिना दस्ताने पहने वर ऑल ओवर द रूम सारे कमरे में थे एंड नोवन बिलीव हिम और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया मैनी सेट जब उसने कहा दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्ट हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर कि उस घर के माल, मालिक की पत्नी ने ही उसको तिजोरी खोलने के लिए कहा था द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ सिक्सटी सेट दैट दी वोन सेंस क्योंकि जो मालकिन थी जो कि ग्रे हेर्ड थी यानी जिसके सफ़ेद बाल थे और पैनी जुबान थी जो कि एक साठ वर्षीय महिला थी उसने कहा कि ये सारी कहानी जो है बकवास है होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन और होरेस जो था अब जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष था ही ओफन थिंग्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड ही ट्रिक्ड हिम अब वो आम तौर पर उस औरत के बारे में सोचा करता था उस आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में सोचता रहता था जो उसी के प्रोफेशन उसी के व्यवसाय में थी जिसमें वह था और उसने उसे धोखा दिया था ही गेट्स वेरी एंग्री बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था अगर वैन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स जब भी कोई उससे चोरों में चोरों के अंदर भी वफादारी की बात करता था चोरों में भी ईमान है ऐसा कुछ कहा जाता था तो वो गुस्से में आ जाता था ठीक है बेटा थैंक यू